हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? अब आज हम लोग आपकी नेक्स्ट जीके की क्लास में मिल रहे हैं। हम लोग एक बार मिल चुके हैं जिसमें आपको जीके का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, और आज हम लोग अपना उसके आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। लेसन टू से लेकर लेसन सिक्स तक आज हम आपको पढ़ाएंगे। और जो हमने आपका लास्ट वीडियो जो हमने आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, उसमें किसी को कोई डाउट था? क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चंस तो किया नहीं, तो इसका मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग अपना चैप्टर टू कंप्लीट करेंगे। अब अपनी बुक में देखिए, ये शेप्स अराउंड अस, ये जो है आपका जीके में लेसन नंबर टू है और पेज नंबर एट में ये चैप्टर आपका है। अब यहाँ लुक एट द ड्राइंग बिलो एंड स्पॉट द डिफरेंट शेप्स इन। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ब्लैक बोर्ड में मैंने कुछ शेप्स बनाए हैं। अब इन शेप्स को क्या हम लोग कहते हैं, पहले उसके नेम आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें जो ये फोर लाइंस है, ये फोर लाइंस बराबर होती हैं स्क्वायर्स में, चाहे वो आमने सामने इधर की लाइन हो या इधर की लाइन हो, चारों लाइन आपस में बराबर होती हैं, उसे कहा जाता है स्क्वायर्स। सेकेंड है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल्स क्या होता है? जो बिल्कुल तिकोना जैसा बनता है और इसमें ये तीनों लाइन जो होती हैं ये आपस में ये बराबर हैं, इसे कहा जाता है ट्राइंगल। थर्ड शेप है आपका, देखिए किस तरह से लग रहा है, क्लाउड जैसे। क्लाउड का क्या मतलब होता है? बादल, इसे कहा जाता है क्लाउड। ये है फोर्थ आपका हार्ट। ये इसे हम लोग जब हार्ट ड्रॉ करना होता है ड्राइंग में तो हम लोग इस तरह का शेप ड्रॉ करते हैं, बट ये ह्यूमन हार्ट जो होता है, यानी हमारे अंदर जो हार्ट होता है वो इस तरह का नहीं होता है, वो इससे डिफरेंस होता है। बट हम लोग जब ड्राइंग में ड्रॉ करना होता है तो हम लोग ह्यूमन बींग वाला हार्ट जो साइंस में ड्रॉ करते हैं वो नहीं ड्रॉ करते, हम लोग हमेशा इस तरह के हार्ट ड्रॉ करते हैं। ये आपको किसकी तरह लग रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे एक इस तरह सा कुछ बना दें और उसको कुछ डेकोरेट कर दें, काइट, इस शेप्स को कहा जाता है काइट। ये बिल्कुल आपका एकदम से प्लेन एकदम सर्कल होता है, जैसे कि हम कोई बॉल्स होती है उसे कहा जाता है सर्कल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? ये दोनों सामने की लाइंस जो होती हैं ये बराबर होती हैं, और ये दोनों सामने की लाइंस ये बराबर होती हैं, चारों लाइंस बराबर नहीं होती, दो सामने की लाइंस एक दूसरे के बराबर रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बने हैं और ये शेप्स जो हैं ये कलर से कलर किए गए हैं। नीचे वाले डायग्राम में आप पढ़िए, नाउ कलर दीज शेप्स इन द सेम कलर एज इन द ड्राइंग एबव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इन शेप्स में जो कलर किया गया है उसी शेप्स को यहाँ आपको आइडेंटिफाई करके सेम कलर से आपको यहाँ पे कलर करना है। फर्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पे बना है? ये देखिए येलो कलर से। तो कौन सा कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है? येलो। तो आपको स्क्वायर को येलो कलर से स्क्वायर को करना है। नेक्स्ट आपका ये क्या है? आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ पे है आपका बना है? ये हाउस के ऊपर रेड कलर से ट्राइंगल है, तो आपको यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है? रेड कलर, तो इसको आप रेड कलर से करिए। क्लाउड। क्लाउड आपका क्या है? ब्लैक कलर से यहाँ पे किया गया है, तो आपको यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से यूज़ करना है। हार्ट आपका रेड कलर से है, तो इस तरह से रेड कलर से आपको करना है। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसको करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसको आप अपने घर में करिएगा। अब नीचे देखिए छोटा सा नोट्स लिखा है, वाइज आउल सेज। आउल को क्या कहते हैं? उल्लू। लोग बोलते हैं कि बिल्कुल उल्लू हो क्या, बट यहाँ पे आउल्स के पहले यहाँ पे वाइज भी लगा है, यानी बुद्धिमान उल्लू। क्या कहता है? जो वाइज आउल सेज, द अर्थ इज़ द प्लैनेट वी लिव ऑन, इट लुक्स राउंड इन शेप्स। हम लोग किस प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ ना, तो अर्थ का शेप कैसा होता है बताइए? क्या क्लाउड होता है, स्क्वायर होता है? नहीं, अर्थ का शेप जो होता है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल सर्कल में होता है, बट ये दिखता सर्कल सर्कल की तरह, बिल्कुल एक गोले में राउंड में दिखता है, बट एक्चुअली में इसका शेप जो होता है ये टॉप और बॉटम दोनों में फ्लैट होता है। एक्चुअली इसका रियल शेप ये होता है, बट आप इसको जब स्पेस से देखेंगे तो ये आपको राउंड में दिखेगा। तो ये आपका शेप्स के बारे में था। अब जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अवर सराउंडिंग्स। सो स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है अवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ से कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होते हैं या कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जो हमारे डेली यूज़ में हम लोग वहाँ से कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, या फिर हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, यानी हमारे चारों तरफ का वातावरण। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। यूज़ द पिक्चर्स गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन पिक्चर्स को देखने के बाद आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो आपको यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो फिल करना है। नंबर वन क्या है शो कर रहा है? एक्वेरियम। एक्वेरियम में क्या होता है? जब बहुत सारी फिश रहती हैं, वो समुद्र का एक छोटा सा
एक डेकोरेटेड रूप होता है जिसको हम लोग अपने घर में लगाते हैं कांच के अंदर, खूब सुंदर सा उसको बिल्कुल समझ लीजिए जैसे समुद्र होता है उसी तरह हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कलरफुल फिश डालते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको अपने मनपसंद उसको सीपी डालते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं उसको डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप क्या होता है, जहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, जब किसी घर में कोई बीमार होता है उसे दवाई खरीदना होता है तो वो केमिस्ट शॉप में जाता है। थर्ड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ से हम लोग बुक खरीदते हैं, बट ये जो शॉप से डिफरेंट होता है। शॉप में क्या होता है, हम लोग कोई भी बुक जाते हैं उनको मनी देते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद हम लोग बुक खरीदते हैं और हम लोग बुक हमेशा अपने पास रख लेते हैं। बट लाइब्रेरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शॉप। लाइब्रेरी में क्या होता है, हम लोग के लिए कोई कार्ड बनता है, उस कार्ड को हम लोग वहाँ पे जाते हैं और बुक हम लोग इशू कराते हैं। हमारी मर्ज़ी, हम चाहे वहाँ बैठ के पढ़ें या हम उसको अपने घर ला के कुछ दिन के लिए वहाँ भी बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं अपने घर में, और 1 वीक 15 डेज जैसा जिसका टाइम होता है हम लोगों को उस बुक को जाके लाइब्रेरी में वापस करना होता है। फिर जो कोई और बुक अगर हम चाहते हैं तो उसको वहाँ से इशू करा सकते हैं। तो डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शॉप। ये है आपका ज़ू, जिसमें देखिए एनिमल्स दिख रहे हैं। ज़ू क्या होता है, सब लोग ज़ू गए हो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने। अलाहाबाद में क्या कोई ज़ू है? अलाहाबाद में नहीं है ना कोई ज़ू? अलाहाबाद में ज़ू नहीं है, बट लखनऊ में, हमारे यूपी में कहाँ, लखनऊ में ज़ू है, कानपुर में ज़ू है, यहाँ पे ज़ू है। ज़ू में क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, वो केज में रहते हैं, जो हमें हार्म तो नहीं पहुँचाते हैं, हम लोग उन्हें बाहर से देख सकते हैं। लायन, टाइगर, ज़ेब्रा, इस तरह के एनिमल्स जो रहते हैं वो वहाँ पे ज़ू में रखे जाते हैं। अब है आपका म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है, जहाँ पे पुरानी चीज़ें, पुराने मूर्ति, स्टैचूज, ओल्ड स्टोन्स, यानी जो हमारे इतिहास के रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। अगर उस ज़माने की कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको म्यूज़ियम में रख दिया जाता है, जो यहाँ पे देखा जा देखने के लिए लोग आते हैं। हमारे इलाहाबाद में म्यूज़ियम है, आपको पता है, आप लोग गए हैं। इसका आंसर आप लोग अपना हम ग्रुप में सेंड करिएगा, उसमें मैं देखूँगा कौन कौन म्यूज़ियम गया और कहाँ पे है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट है आपका रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या होता है, जहाँ पे कभी कभी हम लोग का क्या मन होता है कि घर पे खाना खाने का मन नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। तो बाहर हम लोग कहाँ पे जाते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, समटाइम्स बर्थडे सेलिब्रेशन करने जाते हैं रेस्टोरेंट। तो जहाँ पे हम लोग खाना खाने जाते हैं, बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेंट। अब देखिए यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। वी बोरो बुक्स फ्रॉम अ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, लाइब्रेरी। तो बुक हम लोग कहाँ से बोरो करते हैं, लाइब्रेरी से। नेक्स्ट है आपका वी बाई मेडिसिन एट द केमिस्ट। नंबर थर्ड, समटाइम्स वी ईट आउट एट अ रेस्टोरेंट। नंबर फोर, अ म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर वी कैन सी थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। वी कैन सी फिश एट द एक्वेरियम। नंबर सिक्स, वी कैन सी एनिमल्स एट द जू। तो ये एक्सरसाइज है, इसको अपनी बुक में फिल करिएगा, कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि बुक में आपका ऑलरेडी प्रॉपर प्लेस यहाँ पे दिया गया है, उतनी स्पेस है यहाँ पे कि आप लोग इसको बुक में कर सकते हैं। तो कॉपी का कोई भी यूज़ नहीं है इसमें, इस चैप्टर को आप बुक में करिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वाइज आउल है वो क्या कह रहा है, वी गो टू अ मूवी थिएटर टू वॉच फिल्म्स। हम लोग फिल्म देखने कहाँ पे जाते हैं, थिएटर। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा ग्रुप में कि कहाँ पे हम लोग, कहाँ पे आप लोग मूवी देखने जाते हैं, कहाँ पे थिएटर है, कोई भी एक थिएटर का नाम बताइएगा आप लोग। नंबर टू, शॉपिंग मॉल्स आर लार्ज बिल्डिंग्स विथ मेनी शॉप्स वेयर वी कैन बाई डिफरेंट थिंग्स। शॉपिंग मॉल्स तो सब लोग गए होंगे। शॉपिंग मॉल्स क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पे कई छोटी छोटी शॉप्स होती हैं और वहाँ पे आपको अपनी ज़रूरत के हर सामान एक ही जगह पे मिल जाता है। मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग है और वहाँ पे हर तरह का शॉप्स है। वहाँ पे आपका खेलने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे फन गेम भी होते हैं, हॉरर हाउस भी होता है और वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होता है, आप अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा कपड़ों की दुकान, हर चीज़ की दुकान होती है जो आप चाहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड शॉपिंग मॉल्स। तो सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब हम आते हैं आपके थर्ड नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी टू गेट द करेक्ट फ्रूट नेम्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको मैच करने के बाद एक पार्टिकुलर वर्ड जो है वो बनेगा। जैसे नंबर वन है आपका क्या, वाटर।
क्या वाटर कोई फ्रूट्स होता है? नहीं, वाटर कोई भी फ्रूट्स नहीं होता है। तो आपको मैच किससे करना है? बी से। वाटर एप्पल, वाटर एप्पल कोई फ्रूट्स नहीं होता है। वाटर मेलन, वाटर मेलन एक फ्रूट्स होता है ना। अगर हम लोग इस वर्ड को कंप्लीट करेंगे, मेलन से मैच कर देंगे, तो वाटर मेलन मीन्स तरबूज। तो ये एक वर्ड आपका बन गया। तो किससे मैच होगा? वाटर मेलन, ये ऑलरेडी किया गया है। सेकेंड है आपका पाइन। पाइन, पाइन आपको किससे मैच करेंगे? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल होता है। वेयर इज पाइन एप्पल? दिस इज पाइन एप्पल, यानी अनानास। तो अगर आप इससे मैच करेंगे तो आपका एक फ्रूट्स बन जाएगा पाइन एप्पल। तो इस तरह से ये आपको मैच करना है। जैसे थर्ड है बनाना, बनाना बेरी से नहीं मैच होगा, एन ए बनाना से मैच होगा। कोको नट और स्ट्रॉबेरी, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको मैच करने के बाद फ्रूट्स के यहाँ पे सारे फिगर्स भी बने हैं, आप उनमें देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी है, आप इसको करिएगा घर पर। अब जो है आपका बी क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल्स ग्रोज अंडर द ग्राउंड, कौन सा वो ऐसा वेजिटेबल्स है जो ज़मीन के अंदर होता है। नंबर ए कैरेट, बी कॉलीफ्लावर, सी स्पिनच। कैरेट जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, बाकी दोनों जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। तो आपको किसे सर्कल करना? यू हैव टू सर्कल कैरेट। नंबर टू, विच वेजिटेबल्स ग्रो ओवर द ग्राउंड, कौन सा ऐसे वेजिटेबल्स होता है जो ज़मीन के ऊपर निकलता है। बीट रूट, पोटैटो कि बीन्स। बीट रूट और पोटैटो ये ज़मीन के अंदर होते हैं, बट बीन्स जो होता है ये ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो यू हैव टू सर्कल नंबर सी बीन्स। वाइज आउल यहाँ पे क्या कह रहा है? वाइज आउल कह रहा है फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ बट मोस्ट वेजिटेबल्स हैव टू बी कुक्ड फर्स्ट। फ्रूट्स जो होते हैं वो हम लोग उनको पका के खाते हैं, नहीं, फ्रूट्स को हम लोग एज इट इज़ वैसे ही खाते हैं। बस फ्रूट्स खाने से पहले क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि उसमें कोई जम्स ना रहे, क्योंकि अगर उसमें जम्स रहेगा तो वो फ्रूट्स जो होगा वो हमें नुकसान करेगा, जितना वो फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा उससे कई ज़्यादा वो नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए फ्रूट्स को हमेशा भी अच्छे से वॉश करिए। बट वेजिटेबल्स जो होता है ये रॉ कम खाई जाती हैं, उन्हें पकाना पड़ता है, उन्हें पका के खाया जाता है। कुकिंग मेक्स वेजिटेबल्स ईजियर टू च्यू एंड टेस्टियर टू ईट। जब हम लोग वेजिटेबल्स को पका के खाते हैं तो उन्हें च्यूइंग करना यानी उन्हें चबाना आसान होता है और वो ज़्यादा से अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए वेजिटेबल्स को हमें बना के खाना चाहिए, पका के खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये इतना आपको समझ में आ गया। चलें हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पेज नंबर 11 में है आपका अपोजिट फीलिंग्स। फीलिंग्स आप जानते हैं, जैसे कहते हैं आज हम बहुत उदास हैं, कोई कहता है आज हम बहुत खुश हैं, कहते हैं ना। तो दोनों फीलिंग्स क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसे कहा जाता है यानी एक दूसरे के विलोम। हैप्पी सैड, इस तरह की फीलिंग्स को अपोजिट फीलिंग्स कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे कोल्ड, ये बच्चा देखो ये इसने कैप पहना है, स्वेटर पहना है, मफलर पहना है, इसको यानी बहुत सर्दी लग रही है। तो कोल्ड का यहाँ पे क्या किससे मैच होगा? वार्म, गर्मी से। नेक्स्ट आपका स्लीपी, यानी सो रहा है, और सोने का अपोजिट क्या होगा? जागना, वाइड अवेक। तो अवेक से मैच होगा, हैप्पी है, ये सैड दिख रहा है। तो यू हैव टू मैच विथ दिस डायग्राम। हेल्दी एंड स्ट्रांग है बट ये सिक है, ये बीमार लग रहा है, तो आपको इससे मैच करना है। अब यहाँ पे वाइज आउल क्या कह रहा है? चीयरफुल, मेरी एंड जॉली आर ऑल अपोजिट ऑफ सैड। सैड का अपोजिट क्या है? चीयरफुल। मैरी एंड जॉली, ये है सैड का अपोजिट। आपको इसको लर्न करना है, क्योंकि अगर आप इतनी वर्ड्स याद कर रहेंगे तो आपको इनमें से कोई भी वर्ड अगर अच्छे से आपको याद रहेगा, तो इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स आते हैं ना लिखने के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम में, तो आप इसको इजीली लिख देंगे। तो सैड का इन तीनों में से कोई भी अपोजिट आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। दूसरा है आपका हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट होगा ग्लूमी एंड अनहैप्पी। अनहैप्पी एंड ग्लूमी, नेक्स्ट है आपका हेल्दी। हेल्दी का अपोजिट होगा वीक एंड इल। वीक भी होगा और इल भी होगा, या अनहेल्दी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये जो अपोजिट वर्ड्स हैं ज़्यादा नहीं है, बस तीन ही अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको अपनी जीके की फेयर कॉपी में आप लिखिएगा। ये सारे इन सबको तो आपको मैच कर दीजिएगा, बट ये जो अपोजिट वर्ड्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हें आप अपनी जीके की कॉपी में अच्छे से अपोजिट वर्ड्स डाल के उसको लिखिएगा और लर्न करिएगा।
सो स्टूडेंट, ये आपका आज का लास्ट चैप्टर है वीडियो का, नियर एंड फार। नियर का क्या मतलब होता है? नियर मतलब होता है पास, एंड फार का मतलब होता है दूर। नियर का मतलब पास, फार का मतलब दूर। तो इन वर्ड्स को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप उसको अच्छे से, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों, तो उन्हें अच्छे से आप लोग लर्न कर लिया करिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा। जितनी ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी रहेगी, जितने ज़्यादा आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे, उतने ही वर्ड्स आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगे। तो आप लोग इसको, जो भी वर्ड्स आपको टीचर्स बताती हैं इंग्लिश में, आप उसको अच्छे से लर्न किया करिए। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता या किसी भी वर्ड हिंदी में कोई वर्ड आता है उसकी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप उसको ग्रुप में पूछा करिए। सो स्टूडेंट, ये देखिए नियर एंड फार जो चैप्टर है आपका, यहाँ पे एक ड्राइंग बनी हुई है। लुक एट द पिक्चर बिलो। ड्राइंग दिख रही, बड़ी अच्छी सीनरी बनी हुई है, कोई जंगल की सीन लग रही है। एलिफेंट है, मंकी है, लॉयन है, जेब्रा है। उसमें आपको करना क्या है? नाउ टिक द करेक्ट आंसर। बस आपको इसमें क्या करना है, कौन से एनिमल किसके पास से और कौन से एनिमल किसके दूर है, अब बस आपको नियर एंड फार में टिक करना है। जैसे फर्स्ट है आपका, द क्रोकोडाइल इज नियर ऑब्लिक फार फ्रॉम द मंकी। वेयर इज क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल इन यहाँ पे रिवर में है, और मंकी कहाँ पे है? ये ट्री पे है। तो ये पास में है कि दूर में है? क्रोकोडाइल कहाँ है? ये दूर है। मंकी जो है ऊपर है और क्रोकोडाइल नीचे है, तो ये दूर है ना। द क्रोकोडाइल इज फार फ्रॉम द मंकी, तो यू हैव टू टिक इन द फार। नंबर टू, द मंकी इज नियर ऑब्लिक फार फ्रॉम द जेब्रा। वेयर इज जेब्रा? जेब्रा इज हियर एंड मंकी इज हियर। तो ये भी कहाँ पे होगा? फार। तो यहाँ पे आपको किस पर टिक करना है? फार में। नंबर थर्ड है आपका, द लॉयन इज नियर द जेब्रा एंड पैरेट। तो आपको द लॉयन इज नियर द जेब्रा एंड पैरेट। वेयर इज लॉयन? ये है लॉयन, और वेयर इज जेब्रा? ये है जेब्रा। तो आपको कहाँ पे टिक करना है? लॉयन कहाँ है? जेब्रा के बिल्कुल पास है ना, तो ये पैरेट से तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको टिक करना है जेब्रा को। द हिप्पोपोटामस एंड जेब्रा इज क्लोज टू द पैरेट। कौन है पैरेट के क्लोज? कौन है? हिप्पोपोटामस है कि जेब्रा? जेब्रा तो बहुत दूर है, हिप्पोपोटामस जो है वो पैरेट के जस्ट पास है, तो यू हैव टू टिक हिप्पोपोटामस। नंबर फाइव, द क्रोकोडाइल इज नेक्स्ट टू द लायन एंड एलिफेंट। क्रोकोडाइल के पास कौन खड़ा है? लायन खड़ा है कि एलिफेंट? लायन तो बहुत दूर खड़ा है, एलिफेंट क्रोकोडाइल के जस्ट बिल्कुल पास खड़ा है, तो आपको किसे टिक करना है? एलिफेंट को। नंबर सिक्स है, द लायन इज नियर ऑब्लिक फार फ्रॉम द वाटर। लायन जो है वो वाटर के पास बिल्कुल खड़ा है कि दूर खड़ा है? बहुत दूर खड़ा है, तो यू हैव टू टिक फार। नंबर सेवन है, द जेब्रा इज नियर ऑब्लिक फार फ्रॉम द वाटर। जेब्रा जो है वो भी पानी से बहुत दूर खड़ा है, तो यू हैव टू टिक फार। नंबर एट है, द पैरेट एंड द लायन आर नियर ऑब्लिक फार फ्रॉम ईच अदर। पैरेट और लायन ये एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े हैं? नहीं, एक दूसरे से दूर खड़े हैं, तो यू हैव टू टिक फार। ओके, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पिक्चर्स देखना है और आपको इसमें टिक करते जाना है। अब यहाँ पे वाइज आउल क्या कह रहा है? वाइज आउल कह रहा है, द स्पेस बिटवीन टू प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो जगह के बीच में जो स्पेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है। तो हम लोग जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नियर। ये होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है नियर वर्ड। यानी आपको कम दूरी पे जाना है। और लॉन्ग फार वर्ड जो होता है ये हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये तो वाइज आउल जो है आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। तो ये आज आपका चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया। हमने आज आपको लेसन टू से लेके लेसन सिक्स तक के चैप्टर पढ़ाए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।